साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगी थोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3,000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगई गांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुखिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाई गांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।